नमस्कार दोस्तों, दी कैड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडी दैमे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इन नोजल्स की 3D बनाना। तो मेरे पास आज करीब 7 ड्राइंग हैं, 7 ड्राइंग। इन 7 ड्राइंग के हम 3D बनाएंगे और देखो किस तरह से 3D बनाई जाती है, जिससे कि कम समय लगे और बढ़िया से हमारे पास 7 ड्राइंग लगभग एक ही से मिला के बनानी है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 नंबर ड्राइंग हमारे पास, 2 नंबर ड्राइंग को खोल लिया हमने और इसमें पार्ट में जाके इसकी ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। फ्रंट प्लेन लेंगे और एक सेंटर लाइन, और बेसिकली हमें क्या करना है, जो यहाँ पे ये लाइन है इसके नीचे वाला जो हिस्सा सिर्फ यही नोजल है, ऊपर वाले हिस्से को हमें नहीं बनाना। ऊपर वाले इस हिस्से को वेल नेक बोलते हैं, और बीच में एक पाइप है, तो पाइप वाला हिस्सा नहीं बनाना, हमें सिर्फ नीचे वाला हिस्सा बनाना है। तो नीचे वाले हिस्से को बनाते हैं कुछ इस तरह से है। हमने लाइन ले ली, यहाँ से लाइन थोड़ी सी सीधी जाती है, फिर टेपर, फिर इधर आ जाती है, फिर नीचे, और इसको हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। इस हिस्से की पहले डायमेंशन दे देते हैं और फिर एक सर्कल नीचे बना देंगे। सर्कल का जो रेडियस है स्पेरिकल रेडियस आ रहा है, तो ये तो एक ही बार बन जाएगा। इसको भी हमने एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लिया, बाद में करेंगे, पहले डायमेंशन देते हैं। तो डायमेंशन में ID दे रखी है इनर डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 496 हो गया। अब हम ये वाला हिस्सा देंगे जो है 2 mm का फ्लैट होता है, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का जो डिग्री होती है वो 37.5 होती है। उसके बाद इसका आउटर यहाँ की जो थिकनेस है वो 6 mm इसमें दिखा रखी है, तो इसको हमने 6 रख लिया यहाँ से यहाँ तक। अब आ जाते हैं ये वाले हिस्से की डायमेंशन, जो कि दिखा रखी है 536। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है डिस्टेंस हमारी होगी 50, और इस टेपर वाले हिस्से की डिस्टेंस दिखा रखी है 14। इस 14 को हम चाहें तो 45 डिग्री भी रख सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट फिर हमें इसको डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आती रहेगी, 45 डिग्री ही होता है। तो इसको हम 45 डिग्री पे रख लेते हैं और इस वाले डायमेंशन को कर देते हैं राइट क्लिक करके ड्रीवन, तो ये अपने आप चेंज होती रहेगी। और उसके बाद में हमारा सर्कल जो था उसको बनाते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं और इसकी डायमेंशन देखते हैं क्या है, इसकी अभी डायमेंशन नहीं है, तो हमें इसके बाद सर्कल बनाएंगे एक बड़ा सा, और सर्कल का जो रेडियस है वो है आपका 1264 × 2, डायमीटर देना है तो इसलिए × 2 लिख दिया, नीचे लिया खींच के। और यहाँ पे इसकी थिकनेस दे रखी है 14 mm, लिप की थिकनेस दे रखी है, तो 14 mm इसकी लिप की थिकनेस दे रखी है, और तो कहीं नहीं है, यही है बस। तो 14 पे इसको ऑफसेट कर देंगे, ऑफसेट। उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस लाइन का डायमीटर यानी कि हमारा जो मैक्सिमम बॉडी हो गई 636 हो गया हमारा मैक्सिमम बॉडी। और ये हमारा बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट हम इसको ले लेंगे, वैसे तो ये स्पेरिकल है तो यहीं पे सब कुछ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी, वैसे ऐसे नहीं आएगा, इसको टेपर लेना पड़ेगा। कुछ इस तरह से इसमें भी वैसे ही 2 mm फ्लैट रहेगा, उसके बाद 37.5 की डिग्री लगती है, और उसके बाद यहाँ पे 1/3 का टेपर भी लगाया हुआ है, तो उसको भी लेंगे। यहाँ पे पहले हम इसकी डिग्री लगा देते हैं
37.5 की डिग्री हो गई, और इसका जो बेस पॉइंट है इसकी डायमेंशन भी दे देते हैं साथ की साथ। तो इसकी डायमेंशन है हमारी 636। ये क्या सीन है भाई, यहाँ 684 दे रखा है, ये वाला 636, डायमेंशन गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। हम 636 पकड़ के चले। बाकी बाद में देखेंगे, पहले 636 ही पकड़ के चलते हैं, बाद में देखेंगे कम ज़्यादा होगा तो करवाएंगे बाद में इसको। और एक टेपर है यहाँ पे, 1/3 का टेपर है, तो 1/3 का टेपर के लिए इस जगह पे एक पॉइंट लग दिया। इस पॉइंट को हमने इस लाइन से कॉन्सिडेंट कर दिया, तो जो डायमेंशन है वो यहाँ से, सॉरी, 1/8 mm की थिकनेस और भी इसके अंदर में, इसको और इसको कॉन्सिडेंट कर दिया, तो जो डायमेंशन आएगी वो यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ 8 होनी चाहिए, 8 और 14 में 60 के 6 बची, तो यहाँ से यहाँ तक की 6 हो गई। इस लाइन पर भी आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 हो जाएगी, और अगर ये 6 है तो ये वाली डायमेंशन जो हमारी यहाँ से वाली, ये 18 होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन 18 होनी चाहिए, तो ये 1/3 का हमारा टेपर आ जाएगा। तो अब इसकी जो मैक्सिमम यानी कि टोटल हाइट जो है वो है 140। तो इस पॉइंट से इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ये वाला, यहाँ हम रख देंगे 140। तो हमारा पूरा स्केच हो गया ब्लैक। अब हमें जितनी ज़रूरत है उतना हिस्सा ले लेंगे, बाकी सब कर देंगे ट्रिम। ये कुछ नहीं चाहिए क्योंकि स्पेरिकल है, इसलिए हम सब कुछ ट्रिम कर देंगे, इसमें से कुछ नहीं छोड़ेंगे, ये भी नहीं छोड़ेंगे और ये भी नहीं छोड़ेंगे। अब इस हिस्से पे इधर की तरफ है 20 का रेडियस, R20, तो ये तो R20 हो गया। अंदर का रेडियस 6 का है, अंदर हो गया 6, और इन दोनों कॉर्नर पे भी 6 का रेडियस है। तो ये नोज़ल का हमारा जो स्केच है एकदम तैयार है। फीचर में जाएंगे, इसको रिवॉल्व कर देंगे। ये सिंपल नोज़ल था इसलिए, स्पेरिकल है तो स्पेरिकल ऐसे ही बनता है, सिंपल है। अगले जो नोज़ल है वो सिलेंड्रिकल होंगे जहाँ तक है, उनको बनाते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। तो ये 2 नंबर 02 सेव हो गया। अगला अगर स्पेरिकल है तो इसी कॉपी पेस्ट करेंगे, सिलेंड्रिकल है। अगला और देख लेते, कोई स्पेरिकल हुआ तो हमारा काम बन जाएगा। ये स्पेरिकल है तो इसी में से कॉपी कर लेंगे, स्पेरिकल बन जाएगा। और देख लेते हैं, और ये भी सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल। तो हमारे पास सिर्फ 2 नोज़ल है जो स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल वाले इसको भी ले लेते हैं, फटाफट बन जाएगा। तो जस्ट इसको हमने सेव एज कर दिया 11 नंबर से, और इसको भी हमने डायमेंशन दे दी। ऊपर की डायमेंशन सेम है, थिकनेस हमारी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो 6.02 इसकी थिकनेस इन्होंने दे दी है। और जो हमारा थिकनेस है, ये वाली लिप की थिकनेस 14 की जगह पर 10 रख ली इन्होंने इसमें। यहाँ 15 क्या दिखा रहा, 15 लग चीज़ है, ठीक है 10 थिकनेस है इसकी। और फ्लैट वाला ऐसा 50 का ही है, ये 45 की डिग्री पे इन्होंने दिखाया हुआ है 13.98, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ ही रहा है सेम टू सेम। और टोटल लेंथ भी दिखाई है क्या, इन्होंने टोटल लेंथ की जगह पे
इन्होंने ये जो दिखाया है पॉइंट, यानी कि अगर मैं यहाँ इस सेंटर पॉइंट रखता हूँ और इसको इस वाले पे जाके कोइंसिडेंट करता हूँ, तो यहाँ जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, पता नहीं कैसे क्रैश हो गया। तो ये वाला ऐसा 15 आना चाहिए। अब इसको 15 करने के लिए तो हमारे पास टोटल लेंथ इसमें दी नहीं, इसलिए टोटल लेंथ को हम कर देंगे ड्रीवन और इसको कर देते हैं अनड्रीवन। हमारा स्केच वापस से ब्लैक हो गया और ये हमारा 15 इसको चाहिए, हमने 15 इसको दे दिया। तो हमारा स्केच ब्लैक है और सिर्फ स्केच से बाहर निकलना है और ये नोज़ल हमारी तैयार हो गई, सॉरी तैयार नहीं हुई, भी डायमीटर रह गए हमारे सारे, इसके डायमीटर को फिल करते हैं। तो डायमीटर अंदर की तरफ से लेंगे, जब भी डायमेंशन छोटी करनी होती है तो अंदर की तरफ से लेते हैं और जब बड़ी करनी होती है तो बाहर की तरफ से लेते हैं। तो अंदर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। अंदर हमारा है 102.26 26 सॉरी, और ये वाला हिस्सा आ जाएगा 142.26 और सबसे नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा 246.26। बाकी सब इसमें टेपर, जो 1/3 वाली डिग्री है ये नहीं रहेगी, बाकी सब रहेगा। तो 1/3 वाली डिग्री हमने नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया। 18 इसको भी डिलीट कर दिया, इन दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट किया और मर्ज कर दिया। बाहर निकल जाएंगे, ये नोज़ल भी हमारी तैयार है। यहाँ पे डिग्री थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, अजीब सी लग रही है, तो यहाँ पे सॉरी रेडियस ज़्यादा हुई है। रेडियस है यहाँ पे 10 की, 20 की लगी हुई थी, 20 की जगह पे इसको 10 कर देंगे। और डिसेंट का रेडियस हमारा सेम है जी, हाँ इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, जिससे कि पता चल जाए। तो 12.64 इसका रेडियस है। नोज़ल रेडी है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया। अब आ जाते हैं हमारी सिलेंड्रिकल, इनमें थोड़ा सा काम होता है सिलेंड्रिकल में, तो इसको सेव एज कर लेते हैं। 6 नंबर पे 06 6 नंबर पे सेव कर लिया। अब रिवॉल्व को डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और स्केच के साथ में थोड़ा फिर बदल करते हैं। वैसे बड़ी नोज़ल है तो बड़ी वाली को ही कॉपी पेस्ट करेंगे। इसको डिलीट कर दिया, तो 2 नंबर हमारी बड़ी थी। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, हमने जस्ट यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दिया इसको। 6 नंबर 06 कर दिया, अब पुराना वाला 06 डिलीट करना पड़ेगा। जीरो सिक्स रिवॉल्व, इसमें हमें ये वाला नहीं चाहिए, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा रिवॉल्व को। और स्केच को हम इसी में से ले लेंगे, पहले स्केच एडिट कर लेते हैं, जो डायमीटर वाले डायमेंशन है वो हम ले लेते हैं। तो सबसे बड़े डायमेंशन इसमें बड़ा करना है तो बाहर की तरफ से शुरू करेंगे। तो ये वाला इसमें लिया हुआ है 963 और ये जो डायमेंशन है ये है 790 और ये जो डायमेंशन है ये है 750 और टोटल हाइट दी है इन्होंने 290। वैसे तो हमें इसको दोबारा बनाना पड़ेगा इतने हिस्से को, देखते हैं। तो यहाँ से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड 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 से काम चलेगा, चलाते हैं। एक्सटेंड से काम नहीं चलेगा, डिलीट करते हैं इसको। नीचे वाला पूरा हिस्सा हमने डिलीट कर दिया सेलेक्ट करके। एक सर्कल लेंगे बड़ा सा, 700 रेडियस का सर्कल है, यानी कि 1400 हो जाएगा। तो अंदर का जो रेडियस यानी कि डायमीटर हो गया वो 1400 रख लिया है
और इसकी थिकनेस दिखा रखी है यहाँ पर 19, स्लिप थिकनेस 19, तो ऑफसेट करेंगे 19 पे 19, और हमें यहाँ एक तिरछी लाइन खींचनी है जो कि इसके सेंटर तक जाएगी, इसी का हमें डायमीटर देना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि है 963। ओके, और यहीं से इसकी हाइट भी है। तो ये है हमारी हाइट, इसकी 290, लगभग 290, या तो हम 290 दे देते हैं या फिर ये 50 वाली डायमेंशन, 50 है नहीं, 14 डायमेंशन है इसकी, तो 14 को दे सकते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। फ़िलहाल हम इसी को रख रहे हैं, इसको इधर मिला दिया। तो डायमेंशन हो गई है लगभग तैयार, अब देख लेते हैं थिकनेस 6, ठीक है इसका ये हो गया, हाइट ऊपर की 50 हो गई है, 14 पे यहाँ पे लॉक हो गया, नीचे का 15 मांगा है, चेक करके देखते हैं 15 यार आए क्या। तो यहाँ एक पॉइंट रख लेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ से ये पर टैक्स पॉइंट, तो लगभग 15 यार आए, तो हमारा सब कुछ स्केच तैयार है, ठीक है। अब इसके साथ में क्या करना है, फीचर में जाएंगे, रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व पहले करेंगे हम थिकनेस हटा करके, यहाँ से कंटूर सेलेक्ट करके इस हिस्से को रिवॉल्व कर लेंगे। ओके, और एक काम रह गया बाकी, स्केच में कुछ एडिट करना है, तो एडिट में क्या किया, मैं पूरा जो डबल सर्कल है इसको पूरा डबल सर्कल ना लेके इसको हाफ सर्कल लेंगे हम, और जो हमारे काम करने हैं उस हिस्से को हम ट्रिम कर लेंगे, ठीक। इसी तरह से इधर भी करेंगे सेम काम, इसको भी हाफ सर्कल ले लेंगे लाइन से, ट्रिम करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो हमारा रिवॉल्व एक हिस्सा हो चुका है, फिर से स्केच को सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम करेंगे एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में कंटूर बार हमारा ये वाला हो जाएगा, इसको मिड प्लेन एक्सट्रूड करेंगे, करीब 1500 के आसपास एक्सट्रूड कर लेते हैं, और ओके कर दिया। मर्ज नहीं करना है, ऊपर वाले हिस्से पे स्केच करेंगे सर्कल, ये डायमीटर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डायमीटर हमने इसमें पहले ही दे दिया था, तो स्केच को शो करा लेंगे और इस लाइन को पकड़ेंगे, इसका ये नीचे वाला पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो डायमीटर यहीं से पकड़ेगा हर बार। इस लाइन को कर्व पे जाएंगे, स्प्लिट करेंगे नीचे वाले फेस पे। ओके, हमारा स्केच का काम खत्म है, तो स्केच को कर देंगे हाइड और सरफेस में जाएंगे, रूल्ड सरफेस ले लिया, इसको क्लिक किया, इसको नॉर्मल टू जाना है ऊपर की तरफ, ओके करेंगे। अब यहाँ पे जो निशान था उसको मिटाने के लिए डिलीट फेस से डिलीट एंड पैच कर लेंगे, निशान गायब हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे फीचर में, यहाँ से करेंगे इंटरसेक्ट, इसको 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 तीनों को इंटरसेक्ट करके इसको ये वाला और ये वाला जो हिस्सा हमारे काम करने इसको इंटरसेक्ट कर देंगे, तो ये नोज़ल हमारी तैयार है, सरफेस का काम ख़त्म हो चुका है, इसे डिलीट कर देंगे, जहाँ जहाँ फ्लिट है उस जगह पे सेलेक्ट करके फ्लिट लगा लेंगे। तो फ्लिट यहाँ पे 10 की मांगी गई है, तो 10 की फ्लिट हो गई जी, और अंदर 6 की लगा देते हैं, अंदर की दी तो नहीं है, 6 की लगा देते हैं, साथ में 6 की फ्लिट यहाँ पहले से लगी हुई है, तो लगभग ये नोज़ल तैयार है। लेकिन अभी इस हिस्से का भी डिटेल बाकी है, तो इस हिस्से पे एक तो हमारे पास 6 mm की थिकनेस यहाँ बचाते हुए 1/3 का टेपर लगेगा, उसके बाद में इतने हिस्से पे वही 2 27 की 37.5 की चैम्फर भी लगेगा, यानी डबल चैम्फर लगेगा यहाँ पे। तो पहले हम लगा लेते हैं टेपर 1/3 का, तो 1/3 का टेपर कुछ इस तरह से होगा कि 19 में से 6 चला जाएगा, 19 माइनस 3
तो बचा 16, तो 16 का इधर से हो जाएगा चैम्फर। नहीं 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 19 माइनस 6 तो 13, 13 का चैम्फर यहाँ लगेगा इधर की तरफ में, और इनटू 3 1/3 है तो 39 का टेपर इधर आएगा। तो यहाँ से जाएंगे चैम्फर वाले हिस्से में, चैम्फर लेंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस एसिमेट्रिक डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, इस वाले को लेते हैं फेस वाले को, एसिमेट्रिक एक तरफ हमारा हो जाएगा 13 और एक तरफ हो जाएगा हमारा 39। तो जिसको पहले सेलेक्ट करेंगे ये 13 है, और इधर दूसरे वाले हिस्से में 39। ओके करेंगे तो यहाँ पे बात बनी नहीं, उल्टा कर लेते हैं तो बात बन गई। तो इस तरह से यहाँ पर चैम्फर लगा दिया इस हिस्से पे। एक बार सेक्शन काट के देखते हैं कि थिकनेस हमारी जो हमने चाहिए थी 6 वो बची कि नहीं बची। इस जगह क्लिक किया तो ये 5 के आसपास बच रही है, थोड़ी सी थिकनेस ख़राब हो गई है। और अगर हम राइट प्लेन से सेक्शन काटते हैं, इधर की थिकनेस भी चेक करते हैं, तो इधर अपनी पूरी 6 की थिकनेस आ गई है। तो ये टेपर में आते आते थोड़ा सा इसका डायमेंशन ख़राब हो गया है। कोई बात नहीं, हम इसमें चैम्फर में थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि कम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम 13 की जगह पे 12 कर लेते हैं, ये लगभग 1/3 का ही टेपर होगा। इस जगह पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे एक और चैम्फर लगा देंगे। चैम्फर में हमें दे देना है 4 और 37.5, तो यहाँ पे 437.5 का चैम्फर भी लग गया हमारा। तो ये सेव हो गया जी। अब अगला मॉडल खोलते हैं, 6 नंबर के बाद में है 9 नंबर। 9 नंबर सिंपल है, इसमें हमारे पास लिप नहीं है तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। इस वाले में भी लिप नहीं है, इस वाले में लिप है, यानी कि 15 नंबर वाले में लिप है। तो उसको सेव एज करके 15 नंबर बनाते हैं। सेव सेव एज 15 नंबर, यहाँ से इसको कर दिया स्केच। अब डायमेंशन छोटी है तो अंदर की तरफ से करनी होती है डायमेंशन छोटी, तो 102.26 थिकनेस कितनी है, थिकनेस यहाँ पे 6 की बची है सिर्फ, तो 19 की जगह पे 6 कर लेते हैं थिकनेस। उसके बाद में ये वाली डायमेंशन हमारी है 142.26, और फिर सबसे बड़ी वाली 242.26, और डायमीटर तो ठीक है, रेडियस कम रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। अब बाकी जो डायमेंशन है 50 ठीक है, 14 ये भी ठीक है, नीचे की ये 15 चाहिए जो कि अभी 200 आ रही है, और टोटल डायमेंशन दे रखी है लगभग 100, तो 100 कर लेते हैं। तो 100 करेंगे तो ये लगभग 15 के आसपास आनी चाहिए थी जो कि 19 के आसपास आ रही है। तो यहाँ बर्फी थोड़ी सी गड़बड़ है, पंद्रह 16 थिकनेस देख लेते एक बार, थिकनेस का थिकनेस तो ठीक है लगभग ठीक है, 6.02 करने से तो कोई ज़्यादा अंतर पड़ेगा नहीं। ये डायमेंशन बिल्कुल यहीं से आ रही है, 14 की डायमेंशन ये वाली हो गई 45 की डिग्री पे।
डायमेंशन के बारे में 40 से पूछना पड़ेगा। इसको कर दिया ख़त्म। हमारे पास चैम्फर इसलिए ख़राब हो गए क्योंकि चैम्फर इसमें टेपर वाला नहीं है, सीधा डिग्री वाला चैम्फर है। तो बस सिर्फ बाहर निकलती है, नोज़ल अपने आप बन जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 6 है तो 4 का आ गया टेपर। इसको पलटी मार के देखते हैं। ओके सेव। इससे अगला 21 नंबर। 21 नंबर बड़ा नोज़ल है तो बड़े वाले को कॉपी करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो इससे पहले वाले नोज़ल खोल लेते हैं। तो इससे पहले वाली जो नोज़ल थी वो थी 6 नंबर। 6 नंबर को सेव एज कर लिया 21 नंबर में। स्केच एडिट करेंगे तो सबसे पहले अंदर का हिस्सा जो कि 598 आ रहा है, उसके बाद ये वाला डायमेंशन जो है 718 है, और फिर सबसे बाहर की 818। अब हाइट की बात करें तो 50 की जगह पे अब की बार 72 आया हुआ है, और ये 54 है, इसको 15 होना चाहिए, और इसको 278। अगर 278 कर रहे हैं तो ये इतना हो गया, लेकिन यहाँ पे भी तो है, इसको 6 करेंगे। जैसे 6 करते हैं तो ये 14 के आसपास आ गया, तो हम इसको 1 mm बढ़ा सकते हैं 279। तो ये हमारा 15 आ गया। तो ये स्केच भी हमारा तैयार है, सिर्फ हमें स्केच से बाहर निकलना है और नोज़ल तैयार हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, ये है 6.35। स्केच से बाहर निकलते ही नोज़ल तैयार। बस सिर्फ चैम्फर का इशू है क्योंकि डबल चैम्फर नहीं है, सिंगल चैम्फर है थिकनेस की वजह से। तो इस जगह पे क्लिक करेंगे, चैम्फर लगा देंगे, और चैम्फर हमारा होगा 4 का, उल्टा कर देंगे। ओके, तो ये नोज़ल भी हमारी तैयार है। अब हमारी बच गई है ये टेपर वाली नोज़ल, सिर्फ एक नोज़ल बच गई है टेपर वाली। तो इस नोज़ल को हम करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।